हेलो दोस्तों, मेरा नाम है खुर्शीद आलम और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा फेसबुक पेज भरगेन का शेयर। आज पहली बार मैं फेसबुक के लिए वीडियो बना रहा हूँ, स्पेशल फेसबुक के लिए। वीडियो का नाम क्या है? बहुत ही स्पेशल रेसिपी है। क्या? तंदूरी चिकन। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि साबुत तंदूरी चिकन कैसे बनाते हैं। आप कई बार रास्ते से जाते हैं, बाजार में जाते हैं, आप देखते हैं रास्ते में कि पूरा मुर्गा लटका हुआ है और आपका मन करता है खाने के लिए और आप खाते भी हैं, लेकिन आपको पता नहीं होता है कि ये पूरा मुर्गा कैसे बनाते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कैसे बनाए। तंदूरी चिकन बनाने के लिए मैंने लिया है होल चिकन, क्योंकि हम पूरा मुर्गा बनाने वाले हैं ना। और इसका वजन आपको बता देता हूं, इसका वजन है 750 ग्राम। तो आपने जब भी साबुत चिकन बनाना है, तंदूरी चिकन, तो मुर्गे का वजन 700 ग्राम होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब मैं आपको ना इसको काटने का तरीका बताऊंगा कि आपने कैसे काटना है। ये देखिए, सबसे पहले आपने ये जो चर्बी है ना, इसको निकाल लेना है। चर्बी नहीं होना चाहिए, साफ कर लें, या फिर आप क्या कर सकते हैं, इसको काट के भी साफ कर सकते हैं। काटने का तरीका क्या है, आपने ऐसे चिकन रखा और यहां से आपने फाड़ना है इस तरीके से। देखिए, ऐसे चाकू यहां डाला इस तरीके से, और ऐसे ये देखिए ऐसे आपने खींच लिया ऐसे। जब आप होल मुर्गा बनाएंगे ना, तो आपको काटने का तरीका पता होना चाहिए, नहीं तो आपका तंदूरी चिकन सही नहीं बनेगा। उसके बाद आपने ये यहां से सब कुछ निकाल देना है, ये पूरा साफ कर लें, चर्बी नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपने इसमें कट लगाने, कट कैसे लगाने, ये चीज ये देखिए यहां से निकाल दें काट के, कभी कभी ना ये एक्स्ट्रा रखते हैं। उसके बाद आपने ये देखिए यहां पर हल्का सा कट लगाना है, फिर यहां एक दो तीन, सेम थाई में एक दो तीन कट लगाने बहुत ही जरूरी है। अब आपने ब्रश में कट लगाने, सबसे पहले यहां से थोड़ा सा काट लें, और आप चाहें तो इसको काट सकते हैं या फिर इसको रहने भी दे सकते हैं, आप सबसे बाद में काट सकते हैं। फिर आपने ब्रश में कट लगाने, देखिए एक दो तीन, और थोड़ा सा कट यहाँ पर ऐसे, सेम यहाँ पर। अब मैं फिर से आपको बता रहा हूँ ना, चिकन में पूरी चर्बी नहीं होना चाहिए, पूरी चर्बी आपने साफ करके ना इसको अच्छे से धो लेना है, या फिर आप चर्बी साफ करके कट लगाएं, इस चीज का आप ध्यान रखें। अब मैं इसको धो लूंगा। ये देखिए, मैंने चिकन को बहुत ही अच्छे से धो लिया और अच्छे से साफ कर लिया। ये देखिए, आप भी ऐसे ही साफ कर लें। अब आपने क्या करना है, आपने लेना है एक डिप बॉल के अंदर चिकन डाल देना है इस तरीके से। उसके बाद आपने इसमें डालना है आधे से आधा टीस्पून काला नमक, दो पिंच इलायची पाउडर, दो पिंच कसूरी मेथी पाउडर और दो पिंच पुदीना पाउडर। आप पुदीना पाउडर जरूर डालें, इससे क्या होता है ना, आपका चिकन सारे दुनिया के टेस्ट से अलग होगा। ये एक सीक्रेट है हमारी, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं। और आपने इसमें डालना है एक टेबल स्पून लेमन जूस, एक टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल, एक टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, एक टीस्पून देगी मिर्च। ये सारी चीजें डाल के आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, बहुत ही प्यार से इस तरीके से। आप जब भी तंदूरी चिकन बनाएं तो फर्स्ट मैरिनेशन करना बहुत ही जरूरी है, इसी से टेस्ट आएगा और इसी से आपका तंदूरी चिकन बनेगा वाव। ऐसे मैरिनेट करके आपने इसको क्लीन रैप मार के फ्रिज के अंदर रख देना है, कम से कम आधा घंटा रखें, ज्यादा की कोई लिमिट नहीं है, आप एक दिन भी रख सकते हैं। आपने देखा मैंने आपको कितनी अच्छी तरीके से बताया कि चिकन कैसे काटें और कैसे मैरिनेट करें। अब जो आपको बताने की बारी है वो ये है कि तंदूरी चिकन में लाल कलर कैसे आता है बिना कलर डाले, क्योंकि आप अगर घर में बनाएंगे या रेस्टोरेंट में भी बनाएंगे तो कलर डालना आजकल सेहत के लिए सही नहीं है, मना भी है। तो कलर कैसे आता है, तंदूरी चिकन कैसे लाल होता है, आपको दिखाता हूं। आपने लेना है एक पैन, छोटा भी ले सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। उसके अंदर आपने डालना है दो टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल, इसको आपने अच्छे से गर्म करना है। जब आपका तेल ऐसे अच्छी तरीके से गर्म हो जाएगा, तब आपने क्या करना है, गैस बंद कर देना है। गैस बंद करने के बाद आपने इसको ऐसे देखिए
घुमाना है और इसको ठंडा कर लेना है, नॉर्मल टेम्परेचर पे ले आना है। उसके बाद आपने लेना है एक डिप बॉल, डिप बॉल के अंदर आपने जो तेल गर्म किया था वो डाल दें। इससे क्या होगा ना, आपका तेल जल्दी ठंडा भी हो जाएगा। तो पहले आप डिप बॉल में डाल के और फिर ऐसे घुमाएं तो तेल फटाफट ठंडा हो जाएगा। जब आपका तेल ठंडा हो जाएगा तब आपने क्या करना है, इसमें आपने डालना है 1 टीस्पून भर के देगी मिर्च, फिर आपने इसको ऐसे चलाना है। अब कलर देखिए कितना प्यारा हो जाएगा, ऐसे हम बनाते हैं रेस्टोरेंट के अंदर कलर। ये देखिए कितना ज़्यादा गहरा कलर हो गया, ऐसे ही आपने कलर बनाना है। उसके बाद आपने इसमें डालना है हैंग कट 3 टेबल स्पून। हैंग कट कैसे करते हैं इसका वीडियो मैंने आपको बताया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा तो आपको लिंक मिलेगा हमारे चैनल पे भरगेन का शेफ पे। 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर, 1/4 टीस्पून कसूरी मेथी पाउडर, 1 टेबल स्पून लेमन जूस। ये सारी चीज़ें डालने के बाद आपने इसको ये देखिए ऐसे अच्छे से मिक्स करना है, बहुत ही प्यार से अच्छे से मिक्स करें। अब कलर देखिए कितना प्यारा हो गया, अभी और कलर आएगा क्योंकि नीचे से और मिक्स होगा ना, और आप इसको फेंटेंगे तो एकदम बढ़िया कलर हो जाएगा। ये देखिए कैसी चमक आ जाएगी, बहुत ही प्यारी। ये देखिए अब आपने क्या करना है, इसको टेस्ट करना है। अगर आपके हिसाब से इसमें कुछ कम लगे तो आप डाल सकते हैं, लेकिन ये परफेक्ट है, कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है, बहुत मजा आएगा आपको। अब आपने इसमें तंदूरी चिकन डाल के और मसाला अच्छे से लगाना है। ये देखिए इसको 1/2 घंटा हो चुका है ना, और ये बहुत ही अच्छे से मेरीनेट हो चुका है। अब आपने करना क्या है, जो हमने तंदूरी चिकन का मसाला बनाया ना वो इसके अंदर डालना है, ताकि इसमें जो मसाला लगा है ना वो सब आ जाए। ऐसे आपने डाला और फिर प्यार से ऐसे लगाया, देखिए मल मल के लगाएं, इससे जो कट मारे ना इनमें सब में आपने मसाला भर देना है। ये ऐसे, ये देखिए ऐसे मसल मसल के लगाना है आपने, तभी आपका बनेगा तंदूरी चिकन जबरदस्त। ये देखिए ऐसे लगा दिया मसाला, सारे कटों में लगा दें आप, ऐसे भर दें। अब आपने क्या करना है, इसको आपने रखना है कम से कम 2 घंटे। अगर आप चाहते हैं कि बहुत ही बढ़िया टेस्ट आए और आपके तंदूरी चिकन जैसा किसी का तंदूरी चिकन ना हो, तो आप 2 घंटे इसको रख दें। उसके बाद आपने सीख में लगाना है, मैं भी रखने वाला हूं, और फ्रिज में रखें तब आएगा और भी ज्यादा मजा। 2 घंटे हो चुके हैं, अब मैं आपको सीख में लगा के दिखाऊंगा तंदूरी चिकन आपने कैसे लगाना है। और ये वीडियो मैं स्पेशल फेसबुक के लिए क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि आपने ना मुझे बहुत ज्यादा प्यार दिया है फेसबुक पे, तो मैंने भी सोचा कि आपके लिए कुछ अच्छा करना चाहिए। और एक बात बता दूं, जो आप लोग गाली देते हैं ना इतनी प्यारी प्यारी चिकन काटने के लिए कि ये, तो आप प्लीज गाली ना दें, क्योंकि हम तो मरा हुआ चिकन काट रहे हैं, जिंदा थोड़ी काट रहे हैं, वो बेचारा पहले से कटा हुआ है। और हर शेफ, दुनिया का कोई भी शेफ है ना, वो कसाई होता है, क्योंकि उसको ना सिखाया जाता है कि तुमने चिकन कैसे काटना है। ये हमारा काम है, अगर मैंने खाना बनाना है तो मुझे चिकन काटना भी आना चाहिए, प्याज काटना भी आना चाहिए, धनिया काटना भी आना चाहिए। अगर मैं चीजें नहीं काटूंगा तो मैं बनाऊंगा कैसे। तो आप प्लीज इतनी प्यारी प्यारी गाली ना दें हमारा वीडियो देखने के लिए, थैंक यू। ये देखिए कितना बढ़िया से मेरीनेट हो गया और बैठा कितने आराम से चिकन। अब लगाना कैसे ये आपने बहुत ही ध्यान से देखना है। ये देखिए सीख लिया आपने, यहां पर ऐसे डालना है इस तरीके से, देखिए इस तरीके से, बहुत ही आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। उसके बाद ये जो जगह दिखा रही ना आपको, गर्दन से थोड़ी पीछे वाली गर्दन को ऐसे करें इस तरीके से, और ऐसे देखिए घूम जाता हूं ताकि आपको आसानी से दिखे, और ऐसे यहां पर डालना है देखिए इस तरीके से। अब क्या होगा ना, ये गिरेगा नहीं, और ये खींच लिया आपने ऐसे लगा दिया। अब हम इसको डाल देंगे तंदूर में, आपको पूरी डिटेल बताने वाला हूं कि आपने कैसे पकाना है और कितनी देर पकाना है, तब आपका चिकन कच्चा नहीं रहेगा, सब कुछ बताने वाला हूं। इस तरीके से आपने डालना है देखिए ऐसे, और डालने के बाद आपने क्या करना है ना,
ढक्कन लगा देना जरूर। चिकन तंदूर में डाल के 8 मिनट हो गए, अब मैं उसको निकालूंगा, निकाल के क्या करूंगा वो भी आपने जरूर देखना है। ये देखिए कितनी अच्छी तरीके से पक रहा है, और कलर देखा ना आपने कितना प्यारा है, अपने ऐसे प्यार से निकालना है, चिकन गिरना नहीं चाहिए। उसके बाद ऐसे ये देखिए यहाँ पर रख दिया, ऐसे रखने के बाद आपने क्या करना है, इसके ऊपर आपने लगाना है बटर या फिर देसी घी, इस तरीके से अच्छे से लगाना है। इसे बोलते हैं ना पानी नचोड़ना बोलते हैं, इसी से एक अच्छी खुशबू आएगी और बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा, और जो भी इसमें पानी है वो सारा नचोड़ जाएगा। तो आपने ऐसे रखना है कम से कम 6 मिनट, उसके बाद हम दोबारा डालेंगे तंदूर में। अब मैं इसको तंदूर में डालूंगा, अब आपको पता कैसे चलेगा कि इसमें से पानी नचुड़ना बंद हो गया। अब ये देखिए धुआं निकलना बंद हो गया, मतलब नीचे पानी नहीं टपक रहा है इसलिए धुआं नहीं निकल रहा है। अब इससे क्या होता है ना, रखने से बहुत ही अच्छे से पक जाता है। ये देखिए कितना बढ़िया कलर आ गया है। अब आपने इसको दोबारा से डालना है तंदूर के अंदर, 4 से 5 मिनट में एकदम तैयार हो जाएगा। और आप प्यार से डालें, ज्यादा हिलाए ना सीख को, नहीं तो क्या होगा ना गिर भी सकता है। लेकिन अब ये गिरेगा नहीं, ये पकने के बाद ना सीख को पकड़ लेता है, और आपने इसमें ढक्कन लगाना है जरूर। 5 मिनट हो चुके हैं, अब मैं आपको दिखाता हूं कैसा हुआ। वाह बहुत ही बढ़िया हो गया, देखिए कैसे पक रहा है, कितनी अच्छी तरीके से पक गया है, कलर का तो कोई जवाब नहीं। देखिए ऐसे रोस्ट होना चाहिए आपका तंदूरी चिकन। आपने नीचे ऐसे रखना है एक डिब बॉल रखने के बाद आपने हमेशा की तरह सीख साफ कर लेना है, उसके बाद ऐसे प्यार से सीख को घुमाना है। देखिए ऐसे घुमा के निकालें, निकालने के बाद आपने क्या करना है, आपने इसमें डालना है 1/2 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून बटर, बटर मेल्ट हो जाएगा ना और इसमें चमक आएगी बहुत ही अच्छे से, 1 टेबल स्पून धनिया के पत्ते और 1/2 नींबू आपने नचोना है। देखिए इस तरीके से अब आपने ये सारी चीजें इसमें ऐसे मिक्स कर देनी है। आहा क्या तंदूरी चिकन बनाए, देखिए अब और भी लाजवाब हो जाएगा, आपके मुंह में पानी आ रहा है तो प्लीज मुझे जरूर बताएं, या फिर आपको कोई कमी पेशी लगे तो आप बताएं। देखिए ऐसे आपने लगा लिया, अब हम इसको लगाएंगे प्लेट के अंदर। आपने फुल प्लेट लेना है और इस तरीके से देखिए ऐसे फुल प्लेट में सजा देना है, क्योंकि मजा तो फुल प्लेट में ही आने वाला ना, कलर देखा ना आपने कितना बढ़िया हुआ है। अब आपने क्या करना है, हाथ साफ कर लें और आपने इसमें गार्निश करना है, लच्छा प्याज आप साथ में दें, यहाँ पर रखें, देखिए मजा आएगा ना खाने में, तो मजा ही आ जाएगा आज आपको। प्याज लगाने के बाद आपने इसमें हरी मिर्च भी लगानी है, कभी कभी क्या मन हो जाता है ना हरी मिर्च खाने का चिकन के साथ, उसके बाद पुदीना और लेमन बेज, ये देखिए बस, इससे ज्यादा कुछ ना करें। अब आपने मुझे बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, अगर आपको कुछ कम लगा तो आप अपनी राय दे सकते हैं। हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।